से विधान भवन की इस चर्चा में आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। विधान भवन सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष इन दोनों में काफी गर्मा गर्मी होती है, जिस चलते दोनों सत्रों की कार्रवाई बीच में रोकने का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के को तत्काल निर्णय लेने पड़ते हैं। मुंबई अधिवेशन 2019 यहाँ इस सरकार को अंतिम सत्र है, जो कि अब यहाँ से 4 महीने बाद फिर महाराष्ट्र राज्य के चुनाव होंगे और नई सरकार नागपुर स्थित विधान भवन में खंड का अधिवेशन आयोजन होगा। फिलहाल इस सत्र में चांदीवली के विधायक नसीम खान, इन्होंने शिक्षा प्रणाली के बदलाव पर, महाराष्ट्र सरकार के बजट पर और भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर अपनी टिप्पणियां दर्ज करवाई। उन्होंने क्या कहा इस सत्र में, आइए आगे देखें। आज महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने जो बजट पेश किया है, सिर्फ ये घोषणा है, क्योंकि जो भी बजट उन्होंने पेश किया है, किसी के लिए 500 करोड़, किसी को 800 करोड़, किसी को 1000, 1500, 5000, 4000, इस तरह से करोड़ों का बजट अलग अलग लोगों को देने की घोषणा महाराष्ट्र की सरकार ने आज किया है। आपको पता होना चाहिए कि बजट का अधिवेशन होने के बाद इसकी जो प्रक्रिया है, लगभग 3 से 4 महीने के बाद उस बजट में घोषित की गई राशि या योजना जमीनी सतह पर लागू होती है। 2 महीने के बाद महाराष्ट्र राज्य का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और उस पर आचार संहिता लागू हो जाएगी। आज जो इतनी भी घोषणाएं की गई है, उसका एक का भी फायदा महाराष्ट्र की जनता को नहीं मिलेगा, चाहे महाराष्ट्र का शेतकरी हो, महाराष्ट्र का जो दबा कुचला समाज हो, वंचित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, किसी भी समाज को इन योजनाओं का जो घोषणा किया उसका फायदा मिलने की संभावना नहीं है। ये सरकार सिर्फ घोषणा करती है। पिछले 5 साल के हर बजट का अगर आप उठाकर आंकड़ा देखेंगे तो जितना भी बजट हर विभाग को इन्होंने दिया था, उसका 50 से 55% से ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है। मतलब ये सरकार सिर्फ घोषणा करती है, जमीनी सतह पर लोगों को न्याय देने में विफल है। इसलिए आज चुनावी बजट इस सरकार ने पेश करने का काम किया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड के माध्यम से, चाहे हिंदी मीडियम हो, मराठी मीडियम हो या उर्दू मीडियम के स्कूलों को, बच्चों को, उनको 20% जो एसएससी बोर्ड के माध्यम से एक्स्ट्रा मार्क दिया जाता था, ये सरकार ने उसको रोक दिया है। हम लोगों ने आज महाराष्ट्र की विधानसभा में ये मांग की है कि महाराष्ट्र के एसएससी बोर्ड के माध्यम से चलने वाले स्कूल, चाहे मराठी मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे उर्दू मीडियम हो, इन सभी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को 20% को एक्स्ट्रा मार्क देना चाहिए, ताकि ये स्कूल और एसएससी बोर्ड के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे उसमें शिक्षा पा सकें। नहीं तो जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, लोग उसकी तरफ भागेंगे और महाराष्ट्र सरकार, महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम परिषद की तरफ से चलाए जाने वाले जो स्कूल हैं, वो सारे के सारे स्कूल बंद पड़ेंगे। माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए हमेशा ये सरकार कहती है, और अभी पिछले 2014 में उन्होंने नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास। आज इस बार नारा बदला है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। नारा जरूर देते हैं, लेकिन विकास किसी का नहीं करते, विश्वास किसी का हासिल नहीं करते हैं, सिर्फ सबका साथ देना चाहते हैं। 2014 में भी इसी तरह से किया है और 2019 में भी इसी तरह से किया है। महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समाज के लिए जो योजनाएं, सारी योजनाओं को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, चाहे स्कॉलरशिप की योजना हो, चाहे बस्तीग्राह की योजना हो, चाहे और अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मदद करने के लिए जो पिछली कांग्रेस आघाड़ी की सरकार ने योजनाएं शुरू की थी, उन सारी योजनाओं को इस सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया।